हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गुप्ता रियल्टर्स द्वारका। आज मैं प्रतीका को लेके चलूंगा एक 210 स्क्वायर यार्ड की बिल्डिंग दिखाने के लिए। हमारे पास इस बिल्डिंग में चारों फ्लोर अवेलेबल हैं। आप इसको एज अ गेस्ट हाउस पीजी के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो एंड ये बिल्डिंग हमारे पास लीज पे अवेलेबल रहेगी। आइए आपको लेके चलते हैं। ये हम अपनी साइट पर आ चुके हैं। ये हमारी बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये हमारा पार्किंग स्पेस रहेगा पूरा। आज मैं आपको दिखाने लेके आया हूँ हमारी ये बिल्डिंग। हमारे पास चारों फ्लोर्स अवेलेबल रहेंगे जो कि आप अपना एज अ पीजी, एज अ गेस्ट हाउस यूज कर सकते हो, एज अ हॉस्टल यूज कर सकते हो। ये हमारा पार्किंग स्पेस रहेगा। पीछे आपका वॉशरूम हो जाएगा एक नीचे ही। ये हमारी लिफ्ट लॉबी हो जाएगी। ये हमारा लिफ्ट एरिया रहेगा। ये हमारे फ्लोर की मेन एंट्रेंस। हमारे पास चारों फ्लोर्स लीज के लिए अवेलेबल हैं। आपको ये एज इट इज भी मिल जाएंगे एंड आपको विद फर्नीचर चाहिए तो वो भी प्रोवाइड हो जाएगा आपके लिए। ये हमारे 210 स्क्वायर यार्ड का बिल्डर फ्लोर है। आपका कंप्लीटली रेडी टू मूव इन रहेगा। आपको कंप्लीट फॉल सीलिंग का वर्क देखने को मिलेगा एंड ये हमारी टाइल्स की फ्लोरिंग हो जाएगी। ये हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग। ये हमारी किचन रहेगी। ये आपका 4 बेडरूम प्लस 4 वॉशरूम का फ्लैट है। ये हमारी किचन रहेगी। ग्लेन के आपको चिमनी एंड हॉब मिल जाएंगे। सारे कैबिनेट्स बने मिलेंगे आपको। इधर हमारे को स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगी। ये हमारा सिंक एरिया एंड ये रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस। आइए आपको फर्स्ट बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। आप फॉल सीलिंग का वर्क देख सकते हो एंड वार्डरोब्स भी मिल जाएंगे आपको। ड्रॉइंग, डाइनिंग, सारे बेडरूम्स में आपको एसी भी फिटेड मिलेंगे। ये हमारी वार्डरोब्स। ये हमारा वॉशरूम हो जाएगा। इधर सारे वॉशरूम्स में जैगुआर की फिटिंग्स रहेंगी एंड आपको गीजर भी लगे मिलेंगे। ये हमारा शाफ्ट एरिया हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको टैप मिल जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड बेडरूम दोनों की रहेगी ये स्पेस। आइए अब लेके चलते हैं आपको सेकंड बेडरूम में। ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा। ये आपकी वार्डरोब्स। काफी अच्छा स्टोरेज स्पेस मिलेगा। ये हमारा सेकंड वॉशरूम। सारे वॉशरूम्स में आपको गीजर फिटेड मिलेंगे। ये हमारी वही सेम शाफ्ट जो मैंने आपको अभी दिखाई थी लास्ट रूम से। आइए अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम में चलने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये हमारा वॉशरूम हो जाएगा एक। ये थर्ड वॉशरूम रहेगा जो कि आप गेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड बेडरूम। इसमें हमें यहाँ पे वार्डरोब्स मिल जाएंगी। सामने हमारे को फिनिस्टा ब्रांड की स्लाइडिंग विंडोज UPVC। ये हमारी बालकनी रहेगी। हमारे थर्ड एंड फोर्थ बेडरूम की बालकनी रहेगी है। ये
हमारी ये प्रॉपर्टी सेक्टर 19B में है, सामने ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा पार्क है एंड आपका अपकमिंग मैक्स हॉस्पिटल भी आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल पास में ही, आपको 200 मीटर के रेडियस में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं अपने फोर्थ बेडरूम में। ये हमारा फोर्थ बेडरूम रहेगा, इसमें हमें वुडन फ्लोरिंग मिल जाएगी। ये हमारी वार्डरोब्स रहेंगी। ये हमारा फोर्थ वॉशरूम। ये हमारी थर्ड एंड फोर्थ बेडरूम की बालकनी। अभी मैंने आपको हमारी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर दिखाया, हमारे पास सेम ऐसी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर भी अवेलेबल रहेंगे। आइए मैं आपको टेरेस पे भी लेके चलता हूँ हमारे इस फ्लैट की। ये हम अपने टेरेस पे आ चुके हैं, ये पूरी हमारी टेरेस रहेगी। ऊपर आपको सारे वाटर टैंक्स मिल जाएंगे। ये सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे बिल्डिंग से बिल्कुल निकलते ही आपका पार्क हो जाएगा बहुत बड़ा एंड आपका आगे DDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेगा एंड ये सामने हमारा अपकमिंग मैक्स हॉस्पिटल है जो कि बहुत जल्दी फुली फंक्शनल होने वाला है। हमारा सेक्टर 10 का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में हो जाएगा यहाँ पे। आपका वेलकम होटल, एक कैंसर हॉस्पिटल भी आ रहा है, आपका दुआ का कोर्ट, ये सारी चीज़ें हमारी पास में रहेंगी। हमारी ये कम्प्लीट बिल्डिंग आपकी चारों फ्लोर्स प्लस टेरेस अवेलेबल है लीज़ के लिए, जो कि आप एज अ गेस्ट हाउस, PG, आप होटल अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इस वीडियो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आप हमारे ऑफिस ही विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।